नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीइंग हेल्दी पर। दोस्तों, ये आपने कई बार सुना होगा कि फल खाने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है, लेकिन दिन के पहले आहार के रूप में खाए जाने वाले हर फल को एक स्वस्थ विकल्प नहीं माना जाता है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या खाली पेट फलों का सेवन करना हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं, और अगर है तो खाली पेट हम कौन कौन से फलों का सेवन कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि किन फलों का सेवन आप खाली पेट कर सकते हैं। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, सुबह सुबह खाली पेट आप पपीते का सेवन कर सकते हैं। खाली पेट पपीते का सेवन करने से ना सिर्फ वजन कम होता है बल्कि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में रहता है। इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जिससे पाचन तंत्र को लाभ मिलता है। ये इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को भी बाहर निकालने में मदद करता है। सुबह के समय पपीता खाने के बाद आपको करीब आधे घंटे बाद ही अपना नाश्ता करना चाहिए। पोमेग्रेनेट। दोस्तों, अनार का जूस या अनार का सेवन खाली पेट ही किया जाना सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर होता है जो कई बीमारियों से बचाता है और आयरन की कमी को दूर करता है। इसके सेवन से पाचन दुरुस्त होता है, साथ ही यह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को रोकने में भी प्रभावी है। जिन्हें सर्दी खांसी की समस्या है वह इसका सेवन खाली पेट ना करें। ग्वावा। जी हाँ दोस्तों, सुबह खाली पेट 200 से 300 ग्राम अमरूद खाने से पाचन क्रिया दुरुस्त होती है और कब्ज और पाइल्स जैसी समस्या से निजात मिलती है। इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है जो आंखों को स्वस्थ रखने में भी मदद करती है। बस ध्यान रखें, खाली पेट हमेशा अच्छी तरह से पका हुआ अमरूद ही खाएं। कच्चा या अधपका अमरूद खाने से पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। इसकी तासीर ठंडी होती है, ऐसे में खांसी जुखाम वाले लोगों को इसका सेवन खाली पेट नहीं करना चाहिए। वैसे इसको गर्मी में खाली पेट और सर्दी के दिनों में कुछ खाने के बाद खाने की सलाह दी जाती है। वाटरमेलन। सुबह सुबह तरबूज का सेवन करना भी फायदेमंद होता है। ये बॉडी को हाइड्रेट रखता है, साथ ही इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। इसे खाने से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और ये आंतों के लिए भी अच्छा होता है। इसमें लाइकोपिन अच्छी मात्रा में होता है जो दिल और आंखों के लिए अच्छा है। बस ध्यान रहे, तरबूज का सेवन सीमित मात्रा और गर्मियों में ही करें। साथ ही डायबिटीज से पीड़ित लोगों को खाली पेट तरबूज का सेवन नहीं करना चाहिए। जब भी तरबूज खाएं तो उसके साथ कुछ भी खाने से बचें। एप्पल। स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर रोज एक सेब खाने की सलाह देते हैं और खाली पेट सेब खाने से शरीर सेब में मौजूद सभी जरूरी पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन आसानी से और अच्छी तरह से करता है। ये वेट लॉस, कॉन्स्टिपेशन और हार्ट डिजीज में बेहद फायदेमंद है। साथ ही ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। ध्यान रखें कि एक मीडियम साइज सेब ही खाएं और डायबिटीज के पेशेंट सुबह खाली पेट सेब खाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कीवी। अगर कीवी का सेवन सुबह किया जाए तो हाजमा अच्छा रहता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, हार्ट डिजीज और बीपी बढ़ने का खतरा कम होता है। वजन कंट्रोल करने और खासकर स्किन के लिए भी सुबह खाली पेट कीवी का सेवन फायदेमंद है। एक बार में एक से दो कीवी से ज्यादा सेवन ना करें और जो लोग किडनी या किसी एलर्जी से पीड़ित हैं वो कीवी खाने से बचें। बनाना। दोस्तों, खाली पेट केला खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और कब्ज की समस्या दूर होती है। साथ ही इससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है जो कि एक अच्छा प्री वर्कआउट है। लेकिन सुबह खाली पेट केला खाने से कुछ लोगों को फायदा मिलता है, वहीं कुछ लोगों को नुकसान। तो बेहतर होगा कि आप खुद इस पर एक्सपेरिमेंट करें कि आपको सुबह केला हजम होता है या नहीं। अगर आपको सुबह सिर्फ केला खाने से परेशानी होती है तो आप इसे ओट्स के साथ, स्मूदी में या ड्राई फ्रूट्स के साथ कंबाइन करके खा सकते हैं। ध्यान रखें कि एक या दो छोटे केले से ज्यादा ना खाएं और रोज रोज इसे खाने से बचें। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप खाली पेट केले का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायबिटीज,
खांसी, जुकाम, एसिडिटी या दिल से संबंधित कोई परेशानी है तो खाली पेट इसका सेवन ना करें। दोस्तों, यहाँ खाली पेट का मतलब है कि सुबह उठने के बाद कम से कम 2 ग्लास पानी जरूर पिएं, और आप चाहें तो सोक्ड नट्स भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, आप खाली पेट सही फलों को खाकर अपने शरीर को एक प्रोडक्टिव व हेल्दी दिन के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की हेल्थ रिलेटेड जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जल्दी मिलती हूँ ऐसी ही जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड टेक केयर।